ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आखिर ये लोग कौन हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं? हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, जाने अनजाने में नहीं चाहते हैं। इसमें दो चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं। पहले तो हमें पता है कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारा बुरा चाहता है। दूसरा होता है कि हमें पता ही नहीं कि कौन व्यक्ति हमारा बुरा चाहता है। और तीसरी बात यह है कि हमें पता भी है, बुरा भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और इस तरह की सिचुएशन है। तो ये जितनी सारी कारण है या जितनी सारी बातें हैं, इसके पीछे वजह क्या है, पूरे इस हम सेशन में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनसे बाहर नहीं आ पाए तो ये हमारे लिए बहुत तनाव और एक डिप्रेशन की ओर हमें ले जाता है। तो बहुत आसानी तरीके से पहले कि कौन लोग हमारा बुरा चाहते हैं, उन लोगों से हमें कैसे बाहर निकलना है और उनके क्या उपाय है, ऐसे कौन से उपाय भी हैं जो हम करके शत्रु विनाश की ओर, शत्रु नाश जिसे कहते हैं, उसकी ओर ले जा सकते हैं। मतलब शत्रुता स्वतः ही ख़त्म हो जाए, सामने वाले को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि हम किसी को नुकसान यूँ भी नहीं पहुँचाना चाहते। ये हमारा एक मानवीय नैसर्गिक स्वभाव है। इस विषय पर चर्चा करूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें जो आपको अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई यूनिक नाम लिखें जो आपको अच्छा लगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, जिसमें सबसे पहली और मुख्य बात है कि जो भी लोग हमारा बुरा चाहते हैं, वो लोग हमारा कितना भी बुरा सोच लें, आपका मन बहुत शुद्ध है, आप पवित्र हैं, आपका बाल बाका नहीं कर सकते वो। सिर्फ और सिर्फ बात ये कि हम ये जो परेशान करने वाले लोगों की एक सबसे मेन पॉलिसी होती है कि वो आपको परेशान करना चाहते हैं। वो आप परेशान करने के लिए वो विभिन्न तरह का षड्यंत्र रचते हैं और हमें परेशान करना चाहते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिए, किसी को परेशान करने के लिए भी सामने वाले को परेशान होना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल स्वाभाविक रहें, क्योंकि हम जितना काउंटर करने जाएंगे या जितना उस द्वंद में आगे बढ़ेंगे तो विवादित स्थितियाँ और ज़्यादा बढ़ेगी। हम खुद भी परेशान, पहले तो उन्होंने परेशान, हम उनको परेशान के लिए अगर जब भी कोई कदम उठाएंगे तो हम खुद परेशान होंगे, और हम ये चाहते नहीं हैं। तो मुख्यतः सबसे मेन बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी तरह से हथकंडे जो भी अपनाता रहे, आप बिल्कुल अपना दें। आप शांत चित्त होकर अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें, स्वतः ही उसके रास्ते मिल जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह के बुरे चीज़ें कर रहा है तो उसके जो परिणाम हैं उससे बहुत गंभीर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी दिल के बहुत साफ होते हैं, सरल होते हैं, उन्हें थोड़ी सी परेशानी जरूर उठाना पड़ती है, लेकिन जो भी व्यक्ति बुरा कर रहा है उसका जो अंत है वो उसका अंतहीन अंत है, इसके लिए शब्द नहीं है। तो अपना आत्मविश्वास बिल्कुल कमज़ोर नहीं करना है। जहाँ अपना आत्मविश्वास कमज़ोर हुआ तो हम तनाव डिप्रेशन में जाएंगे, हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। तो खुद को मोटिवेट रखें, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें, और शत्रु विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ करते रहें। बजरंग बाण अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ी सत्ता है। यूट्यूब पर, गूगल पर आपको आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें, या बाज़ार में मिलती हैं तो वो भी आप लेकर कर सकते हैं। आपके घर में है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।